अविरल लटल की अस्थियां अविरल गंगा की गति में समाहित होकर मोक्ष को प्राप्त हुईं। एक विशाल जनसैलाब मोक्ष के द्वार यानी हरिद्वार तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ा था। कहते हैं हरिद्वार हरि का द्वार है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांशी, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, सप्त तीर्थ च मोक्ष दया। यह भी कहा जाता है कि हरिद्वार में किया गया कोई भी कर्म सीधे भगवान विष्णु के चरणों तक ले जाता है। सनातन सभ्यता के 16वें संस्कार में है मोक्ष। ये जीवन मरण के बंधन से ऊपर है। इसलिए देश की राजनीति के दिग्गजों ने जब दुनिया को अलविदा कहा तो इस 16वें संस्कार के जरिए उन्हें मोक्ष देने के लिए उनके पुत्रों और मानस पुत्रों ने उनकी अस्थियां गंगा की कलकल करती धाराओं में प्रवाहित कर दिया। यूं तो अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को एक कलश में रखकर विसर्जित कर दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब निधन हुआ तो उनके दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को कई कलशों में रखकर देश और दुनिया में रह रहे उनके अनुयायियों को सौंप दिया गया ताकि वो विसर्जित कर सके, जिससे वो उनकी स्मृति अवशेष को रख सकें और बाद में उन्हें विसर्जित कर सकें, जिससे बापू को मोक्ष मिले। 1948 में बापू की अस्थियों को संगम में प्रवाहित किया गया। 1997 में गांधी जी के पोते ने गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की। 2010 में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर संरक्षित अस्थियों को हिंद महासागर में विसर्जित किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अस्थियों को लेकर एक वसीयत पहले ही तैयार किया था। इस वसीयत में नेहरू जी ने लिखा था, मेरी अस्थियों का एक छोटा भाग कल कल बहती गंगा में प्रवाहित करवा देना और अस्थियों का कोई हिस्सा संरक्षित मत करना। अस्थियों का बचा हुआ बड़ा हिस्सा ऊपर हवा में ले जाकर खेतों में बिखराव करवाना, जहां भारत के अन्नदाता अन्न उगाते हैं, जिससे मेरी अस्थियां भारत की धूल मिट्टी के साथ मिलकर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन सके। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन हुआ तब उनकी अस्थियों को पहले हरिद्वार में विसर्जित किया गया और बाद में उसका एक भाग उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में विसर्जित हुआ। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अस्थियों को भी पहले संगम में ही विसर्जित किया गया, उसके बाद बचे हुए अवशेषों को हरिद्वार में गंगा की धारा में विलीन कर दिया गया। हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में जहां अटल जी की अस्थियां विलीन हुई हैं, उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संगम माना जाता है। लेकिन इसके अलावा अटल जी की अस्थियों को देश के कई राज्यों की 100 नदियों में विसर्जित किया जाएगा, यानी देश के कण कण और कोने कोने में अटल जी की अस्थियां विसर्जित होंगी, जिससे उनका संस्कार पूरे देश की रगों में प्रवाहित हो सके। इनमें उत्तर प्रदेश की 22 नदियां, महाराष्ट्र की 9 नदियां, तमिलनाडु की 8 नदियां, बिहार, कर्नाटक और ओडिशा की 7 नदियां, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की 4 नदियां, उत्तराखंड और पंजाब की 3 नदियां, असम, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गोवा, हिमाचल प्रदेश की 2-2 नदियों के साथ दिल्ली, केरल, सिक्किम और दमन की 1-1 नदियों में अटल जी की अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी।